बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम देखने वालों को सफदर अब्बास मलिक एंड टीम की तरफ से तहदिल से अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोग मेरी फूड की रेसिपी को पसंद करते हैं, आप इसी तरह पसंद करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपी लेके आऊँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक छोटा सा घंटे का निशान है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त, जो आप लोगों ने अब तक वैसे यूट्यूब से पे बहुत रेसिपी देखी होंगी ये, लेकिन जो मेरी रेसिपी होगी ये आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरे गांव की सबसे ट्रेडिशनल रेसिपी है। सूजी का हलवा बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ये रेसिपी आप तमाम देखने वालों को बेहद पसंद आएगी। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो दोस्तों, हम आपको अपने विलेज की सबसे ट्रेडिशनल सूजी के हलवे की इन्ग्रीडियंट्स बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये देखें, ये हमने सूजी लिए हाफ के जी, इसको ऑलरेडी हाफ के जी पानी में ना तकरीबन 1 kg पानी में भिगो कर रखा हुआ है तकरीबन 1 hours पहले। अगर आप सूजी का हलवे का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो जो सूजी आप ख़रीदें वो बिल्कुल फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। साथ में ये देखें, ये हाफ के जी चीनी, ये तकरीबन 1 teaspoon सब्ज़ी इलायची पाउडर बना हुआ है इसका, ये 50 ग्राम ड्राई नारियल है, ये 30 ग्राम अखरोट है, 50 ग्राम खालिस बादाम है और 50 ग्राम ड्राई किशमिश है। साथ में हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है और टेस्ट के लिए ये देसी घी लिया है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ आप प्रॉपर देख लें, ये सिर्फ आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये आपको प्रोसेस बताने के लिए हैं। बाकी अगर आपको सूजी का हलवा ज़्यादा या कम चाहिए तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से अप डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ रहिएगा, आपको फाइनल बनाने का तरीका बताते हैं कि सूजी का हलवा कैसे तैयार होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो दोस्तों, अब हम सूजी का हलवा तैयार करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये हाफ के जी बासमती घी डालेंगे और तकरीबन एवरेज 5 teaspoon जितना ना देसी घी शामिल करेंगे इसमें। और इसको एक से दो मिनट के लिए ना घी को गर्म होने देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखें, घी हमारा प्रॉपर गर्म हो गया है और इसमें हम चीनी डालेंगे, ये तकरीबन 400 ग्राम चीनी है। इसमें डाल रहा है और इसको अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेते हैं। और इसका आप मज़ीद खीरा बनाएंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें दोस्तों, जब आप चीनी डाल रहे हैं तो साथ साथ आप चम्मच हल्का हल्का लगाते रहें ताकि जो आपका शीरा है वो प्रॉपर तैयार हो और चीनी आपकी लग ना जाए, ताकि जो आपका हलवे का ओरिजिनल टेस्ट है वो बरकरार रहे। दोस्तों, ये देखें, चीनी हमारी आहिस्ता आहिस्ता घी में ऐड हो रही है। अच्छा, ये मैं आपको बार बार इससे बता रहा हूँ कि जो सूजी का हलवे का प्रॉपर टेस्ट है वो आपका ख़राब ना हो, ताकि जब चीनी आप डाल दें तो वक्फे वक्फे से ना आप हल्का हल्का चम्मच लगाते रहें ताकि चीनी आपकी प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाए और जो आपका शीरा तैयार हो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जैसे चाहिए हो। ये देख लें आप, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखें दोस्तों, शीरा हमारा तकरीबन प्रॉपर तैयार होने वाला है और चीनी हमारी ऑलमोस्ट इसमें मिक्स हो चुकी है। ये कलर देखें, ये येलो हो चुकी है बिल्कुल। अब इसको एक दो मिनट के लिए मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसका फर्दर कलर शुरू करेंगे। ये देखें, शीरा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें ये 100 ग्राम मिल्क है, फ्रेश मिल्क है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथ में कुछ और निकलेंगे, ये तकरीबन
30 ग्राम करीब अखरोट थे, ये देखें ब्रिक कटे हुए, ये डालेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तकरीबन 30 ग्राम करीब बादाम के ब्रिक टुकड़े हैं, ये डालेंगे इसमें। और ये तकरीबन 30 ग्राम करीब ड्राई किशमिश है, ये डालेंगे इसमें। और ये इलायची पाउडर है, ये तकरीबन हाफ टी स्पून डालेंगे, ये देखें। और तकरीबन 4 से 5 टीस्पून ये नारियल ड्राई ब्रिक कटा हुआ, ये 4 टीस्पून भी डालेंगे। अब इन तमाम मेवाजात को अच्छी तरह शीरे में मिक्स कर लेंगे। अगर ये जो हमें ड्राई फ्रूट्स में डालें, ये 1-2 मिनट इसमें पकने देंगे, इसके बाद हम फाइनल इसमें सूजी डालेंगे। तो अब इसमें हम ये सूजी डालेंगे। अच्छा, इसका हमने आपको ऑलरेडी प्रोसेस बताया था कि हलवा तैयार करने से पहले 4 से 5 आवर्स इसमें, ये 1/2 kg सूजी है, इसमें तकरीबन 1 kg पानी डाल के ना इसको रख दिया था। अब ये मिक्स करेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह आप इसका जब सूजी डाल लें तो चम्मच बिल्कुल लगाते रहें साथ साथ, ताकि जो हलवा है वो आपका बिल्कुल बराबर तैयार हो और जो ड्राई फ्रूट आपने डाले वो इसमें बराबर मिक्स हों। अच्छा दोस्तों, जब आप इसमें सूजी डाल लें और जब आपका हलवा प्रोसेस हो रहा हो तो 5 से 7 मिनट के लिए आप इसका चम्मच कंटिन्यू चलाते रहें, ताकि जो हलवा है ना वो आपका बिल्कुल एक जैसा तैयार हो। देख लें आप, मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट इस तरह चम्मच लगाते रहेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा जो हलवा है ना वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा सूजी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दोस्तों ये देखें हमारा हलवा तकरीबन फाइनल प्रोसेस में है, बस इसको मज़ीद 1-2 मिनट और भुनेंगे और उसके बाद फिर इसको डिशोट करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल फाइनल प्रोसेस में है, ये देख लें आप। अब इस चम्मच इस तरह इसका मिक्स करते रहें ताकि नीचे लग ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, सूजी का हलवा हमारा प्रॉपर तैयार हो गया माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें, जो हमने ड्राई मेवा ज़्यादा डाले थे। अब बस इसको मज़ीद 1-2 मिनट इसको भून लेंगे, देखते जाएं आप। चम्मच अब पिछले बार बता रहे हैं, चम्मच अब लगाते रहें ताकि जो हलवा है वो लग ना जाए आपका, जो आपका ओरिजिनल फ्लेवर है ना टेस्ट का वो खराब ना हो। ये देखें दोस्तों, ये हमारा हलवा प्रॉपर तैयार हो गया। अब गैस कर देते हैं बंद और इसको डिश आउट करके ना मज़ीद जो हमारे ड्राई मेवाजात रहते हैं वो डालेंगे, उसके बाद फिर अपन मेहमानों को हम पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारा सूजी का हलवा प्रॉपर तैयार हो गया। यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन खुशबू आ रही है। सूजी के हलवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए बेहतरीन गिज़ा है। ये अब अपनी फैमिली के साथ मिल के बनाएँ, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ में रखे। सफदर अब्बास मलिक एंड टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।